नमस्कार प्रियजनों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने इस्तीफा क्यों दिया है, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रियजनों को यह बताना चाहती हूँ कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के नवनिर्मित मकान का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे जो मेहमान हैं वह उपस्थित होने वाले हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सभी चाहते थे, मैं मेरा पूरा परिवार, कि एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से इस घर का उद्घाटन हो, तो इस सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन रखा गया है और साथ ही जो हमारे मेहमान हैं वो तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर भी इस आयोजन में आने वाले हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध जो है वो विश्व शांति के प्रतीक हैं और हमारी मंशा भी यही है कि सर्व धर्म में शांति होनी चाहिए। तो इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहती थी, जिसके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, सामान्य प्रशासन विभाग को, जिसके जवाब में मुझे प्रकाश को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सर्वधर्म संभव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हमारे जो गगन मलिक फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी टीम जो घर घर जाकर निमंत्रण दे रही थी इस सर्वधर्म प्रार्थना के कार्यक्रम के लिए, उसमें मुझे जाने से और यात्रा और कार्यक्रम दोनों में जाने से मुझे मना किया गया, मुझे अनुमति नहीं प्रदान की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। तो जैसे ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ, मैं इस सर्वधर्म संभव यात्रा में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैंने एक पत्राचार सामान्य प्रशासन विभाग को किया यह लिखते हुए कि यह जो आयोजन है, सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें मेरे पति और परिवार द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए हम पूरे सब परिवार अपने ही घर के आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मैं उपस्थित होना चाहती हूँ। इसकी अनुमति के लिए दोबारा मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा 20 जून को और फिर उसके बाद कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है, मैं इससे बहुत दुखी हुई। यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं सर्वधर्म प्रार्थना करने की और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है, यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा तो यह अवश्य होगा और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूँ, तो मैं साफ तौर पे इसे इनकार करना चाहती हूँ कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं दे रही हूँ, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, मैं अपनी धार्मिक भावनाओं के कोटेस पहुंचने की वजह से और अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रही हूँ।
यह मेरे मकान का उद्घाटन आने वाली 25 जून 2023 को आमला में होगा और मेरे सभी प्रियजन इसमें आमंत्रित हैं। आप मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर आएं, भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन लाभ लेने जरूर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।